सो हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आपके लिए रेडमी का 12 5G का पबजी टेस्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि पबजी कितने ग्राफिक्स पे चलेगा, कितने ग्राफिक्स आपको सपोर्ट करते हैं, तो वो सब हम बताएंगे दोस्तों, अगर आप गेम खेलना चाहते हैं इस फ़ोन में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपका पबजी स्टार्ट करने से पहले हम इसका कुछ की हाईलाइट पॉइंट बताते हैं। जो फ्रेंड्स हमारे वीडियो में नए हैं और इस फ़ोन के बारे में स्पेसिफिकेशन नहीं आते, तो वो हम आपको ओवरऑल बता देते हैं। जैसे कि आपको किस प्रकार का आपको डब्बे का बॉक्स पैकिंग आपको दिया हुआ है, और यहाँ पे रेडमी का ब्रांडिंग है रेडमी का 12 5G आपको सीरीज है। रैम रोम की बात करते तो इसमें आपको 6 GB 128 GB इंटरनल आपको मिल जाता है दोस्तों। कलर है मोशन सिल्वर। कुछ की हाईलाइट पॉइंट दिए जो आपको हम मेंशन कर देते हैं, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन के 4 Gen 2 का आपको प्रोसेसर आपको इसमें दिया हुआ है, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों, इसमें 6.79 इंच का फुल HD प्लस के साथ 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। और ये जो प्रोसेसर है 4 नैनोमीटर पर बेस पे काम करता है, तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर भी है। और बैक कैमरा 50, फ्रंट 8 MP कैमरा, IP53 है, थोड़ा सा वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंस है दोस्तों। बॉक्स के अंदर 22 वाट का चार्जर आपको मिल जाता है और केबल मिल जाता है बॉक्स के अंदर, बस इतना ही दोस्तों। और बढ़ते हैं दोस्तों फाइनली फ़ोन की तरफ। तो कुछ इस प्रकार का लुक एंड डिज़ाइन मिल जाता है, देखने में काफ़ी सिंपल है और फ्यूचरिस्टिक फ़ोन आपको मिल जाता है। आपको ये पूरा बेजल्स आपको ये जो फ्रेम है आपको प्लास्टिक का है, लेकिन बैक में आपको ग्लास बॉडी आपको दिया हुआ है। लुक डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, डुअल कैमरा का सेटअप आपको मिल जाता है और ये ग्लोसी फिनिशिंग के साथ है। पावर राइट हैंड साइड में बात करें इसमें फ़ोन की, इसमें पावर बटन दिया, यहीं पे फिंगरप्रिंट सेंसर का वर्क करता है। वॉल्यूम अप एंड डाउन का फीचर्स मिल जाता है आपको दोस्तों, प्लस ऊपर में आपको आयर ब्लास्टर मिल जाता है और हेडफोन जैक मिल जाता है। नीचे की साइड में आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाता है दोस्तों, और जो है चार्जिंग पोर्ट के साथ इसमें आपको मिल जाता है। और फ़ोन को जल्दी से हम डिस्प्ले की बात करें, इसमें 6.79 इंच का फुल HD प्लस 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आपको फ़ोन मिल जाता है IPS स्क्रीन का, जिसका कलर एक्यूरेसी काफ़ी स्मूथ आप एक्सपीरियंस आपको मिलता है। और दूसरा चीज़ क्या है, इसमें आपको जो रैम रोम मिलता है टोटल 3 वेरियंट में आता है, 4 GB, 128 GB, 6 128 और 8 256। स्टार्टिंग प्राइस इसका 11999 यानी कि 12,000 के फ़ोन में आपको ये फ़ोन आता है दोस्तों। और बैटरी की बात करें, इसमें 5 mAh की बैटरी है और 22 वाट का फ़ोन आपको इसमें चार्जर मिल जाता है, लेकिन फ़ोन जो है सपोर्ट करता है 18 वाट का। तो इस स्पेसिफिकेशन इतना ही दोस्तों, आप चलते हैं इसका पबजी टेस्ट स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं जल्दी से कितना देर में आपको ये पबजी को ऑन कर देता है। तो दोस्तों काफ़ी फास्ट प्रोसेस हो रहा है, मोटा मोटी आपको ये 20 सेकंड में ये पबजी ऑन करके दिखा दिया है, क्योंकि इसका चिपसेट काफ़ी अच्छा दिया है। प्रोसेसर जो दिया हुआ है वो आपका स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2, वो भी 4 नैनोमीटर, मतलब अंदर 15,000-20,000 के रेंज में कोई भी ब्रांड आपको 4 नैनोमीटर का चिपसेट आपको नहीं मिलता है, जो कि यहाँ आपको मिल जा रहा है। और बताते हैं दोस्तों कि इसमें आपको कितने हाई ग्राफिक्स पर आप गेमिंग कर सकते हैं। जैसे सेटिंग में जाने के बाद ग्राफिक्स कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ पे स्मूथ में आपको अल्ट्रा पे गेमिंग कर सकते हैं, प्लस मैक्स टू मैक्स आप 8K HD पे हाई ग्राफिक्स पे आप गेम खेल सकते हैं दोस्तों। मतलब मैक्सिमम 4 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, लेकिन उतना भी तगड़ा नहीं है, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से काफ़ी डिसेंट प्रोसेसर दिया हुआ है। स्मूथ में आप अल्ट्रा पे खेल सकते हैं, यहाँ पे कम से कम इसमें आपको 60 पीस का सपोर्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आपको 40 पीस पे आपको गेम सपोर्ट करता है। थोड़ा सा पबजी गेम प्ले करके हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा होगा दोस्तों आपको। तो हम लोग दोस्तों बैठ चुके हैं प्लेन में, अब उतरने की तैयारी करने वाले हैं, उतरते हैं दोस्तों जॉर्जो पुल में। अरे मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट ये वो काम है, नहीं हुआ बॉस ठीक है, हम पकड़ लेंगे। सो बैग हुए ना यार, कि हम भी कुछ दिन आपको बैठ कर हम भी नहीं आएंगे, नहीं आ रहे यहाँ ना। तो दोस्तों अभी तक गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ है, कोई लैगिंग का शिकायत इसमें फ़िलहाल तो नहीं देखने को मिल रहा है। तो नहीं ध्यान है तुम वीडियो तुम गेम। अरे
तो दोस्तों लगभग 10 मिनट हो गया गेम प्ले को किए हुए, लेकिन अभी तक हल्का सा ही वार्म नहीं हुआ है, मतलब नॉर्मली आपको ये गेम प्ले हो रहा है दोस्तों। तो आगे हम बताएंगे दोस्तों कि कितना देर खेलने पर ये गर्म होता है, उसके लिए बने रहे वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों लगभग हम 15 से 20 मिनट हो गया गेम को खेले हुए, लेकिन अभी तक हल्का सा वार्म हुआ है। तो गेमिंग एक्सपीरियंस ऑन एवरेज रहेगा दोस्तों आपको 14,000 15,000 में आपको क्या ही चाहिए, तो मेरे ख्याल से 13,000 के रेंज में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी रहने वाला फ़ोन है। हम दोस्तों बहुत देर हो गया दोस्तों, हम खुद को ही ख़त्म कर लेते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।